नमस्ते बच्चों, मास ट्रांसफर ऑपरेशन का ये नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, हाइड्रोडायनामिक्स ऑफ पैक बेड। हाइड्रोडायनामिक्स का मीनिंग है कि आपका प्रेशर स्टडी, और ये प्रेशर स्टडी हम करने जा रहे हैं पैक बेड में। तो पैक बेड क्या होता है? तो जो बेड में या कॉलम में अगर पैकिंग्स आप यूज़ करते हैं तो उसको पैक कॉलम या पैक बेड कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये ग्लास के पैकिंग्स यूज़ किए हैं, तो इसमें अलग अलग पैकिंग्स रहते हैं, पॉल रिंग, क्रॉस पार्टीशन रिंग, रैशिंग रिंग, बल सैडल एट्सेट्रा। तो यहाँ पे अभी ये नॉर्मल पॉल रिंग यूज़ किए हैं और यहाँ पे ये पैकिंग प्रेजेंट है ये कॉलम में, इसीलिए उसको पैक बेड या पैक कॉलम कहते हैं। तो अगर ये कॉलम आप देखते हैं तो इसमें ये बॉटम पार्ट है जो रिसीवर है, या हम उसको बाईपास भी कर सकते हैं। ये एक्चुअल पैक बेड है और ये ऊपर का पार्ट है जहाँ से वाटर फ्लो हो सकता है, जिसको हम टेक्निकली डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। अगर ये ओवरऑल सेटअप देखा जाए तो इसमें ये दो रोटामीटर हैं, एक रोटामीटर वाटर का फ्लो रेट जानने के लिए जो अभी आपको दिखाई देता है कि हमने अभी मोटर स्टार्ट किया है, तो रोटामीटर इंडिकेट कर रहा है कुछ ना कुछ लीटर पर आवर या लीटर पर मिनट में। और वैसे ही एयर रहेगा, अगर हमने कंप्रेसर स्टार्ट किया तो आपको रोटामीटर एयर का भी रीडिंग बताएगा। यहाँ पे प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर या पाउंड पर स्क्वायर इंच में आपको प्रेशर बताएगा। और यहाँ पे ये नॉब है इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए, इसको हम प्रेशर रेगुलेटर भी बोल सकते हैं। तो प्रेशर अगर आपको इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो इसके लिए प्रेशर रेगुलेटर यूज़ कर सकते हैं। और ये है यूट्यूब मैनोमीटर, तो यहाँ पे ये एयर कनेक्टेड है और यूट्यूब मैनोमीटर में वाटर प्रेजेंट है। अगर एयर का फ्लो रेट हम जिस हिसाब से रखेंगे उस हिसाब से उसका फोर्स और प्रेशर बढ़ेगा और वाटर शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको एयर की हाइट कितनी चेंज होती है, वाटर की हाइट कितनी चेंज होती है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे अभी इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कनेक्शंस अलग अलग कौन से हैं, तो बैक एंड से आपको पता चलेगा कि ये वाटर टैंक है और वाटर टैंक थ्रू हम पंप के थ्रू ये वाटर स्प्रे कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं टॉप ऑफ द कॉलम से। और यहाँ पे ये कनेक्शन है, वाटर के अलग कनेक्शंस है, एयर के अलग कनेक्शंस है, और ये यूट्यूब मैनोमीटर के भी अलग कनेक्शंस है। ये कॉलम आप अगर आप देखते हैं तो ये बोरोसिलिकेट ग्लास के पैकिंग्स है, जिसका आउटर डायमीटर 55 mm है, लेंथ 650 mm है। पैकिंग्स ग्लास रैशिंग रिंग्स साइज 8-10 mm अप्रॉक्सीमेटली। वाटर टैंक स्टेनलेस स्टील, कैपेसिटी 30 लीटर्स। FHP पंप इसमें वाटर सर्कुलेशन के लिए यूज़ किया है। दो रोटामीटर है जो एयर और वाटर के हैं, और मैनोमीटर है प्रेशर ड्रॉप मेजरमेंट के लिए। तो ये ओवरऑल सेटअप है हाइड्रोडायनामिक्स पैक कॉलम का। तो इसमें नॉर्मली प्रैक्टिकल करते टाइम दो सेक्शन में प्रैक्टिकल होता है, जिसको हम बोलते हैं ड्राई पैकिंग और वेट पैकिंग। तो अगर आपने अभी वाटर पंप स्टार्ट किया है और यहाँ पे वाटर फ्लो हो रहा है और ये रोटामीटर भी दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये वेट पैकिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पैकिंग्स है, अगर इसके थ्रू वाटर पास हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे वेट पैकिंग। अगर ये पैकिंग्स वेट कंडीशन में है तो उस टाइम इसका प्रेशर क्या रहेगा, तो एयर का प्रेशर क्या रहेगा, वाटर का प्रेशर क्या रहेगा, और उनका प्रेशर ड्रॉप क्या रहेगा। तो ये जो डेल्टा पी प्रेशर ड्रॉप कैलकुलेशन है या डिटर्मिनेशन है, उसको हम हाइड्रोडायनामिक स्टडी कहते हैं। अगर ये वाटर का फ्लो हमने जीरो कर दिया तो आपको ड्राई पैकिंग कंडीशन भी चेंज कर सकते हैं आप। तो जैसे अभी मैंने ये रोटामीटर को
जीरो कर दिया, वाटर पास होना बंद हो जाएगा और उसके बाद में आप कंप्रेसर भी ऑन कर सकते हैं। अगर मैंने ड्राई कंडीशन में अगर ये हाइड्रोडायनामिक पैक कॉलम चलाया तो उस टाइम आपका कंडीशन मिलेगा आपको ड्राई। अभी ये कंप्रेसर मैंने ऑन किया है, पंप ऑफ किया है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि एयर का फ्लो रेट बता रहा है। इसका मतलब है अभी वाटर ज़ीरो है और ये जो पैकिंग से ये ड्राई कंडीशन में है और ये ड्राई कंडीशन में ये पर्टिकुलर एयर फ्लो रेट के लिए प्रेशर ड्रॉप कितना होगा ये हम स्टडी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपको हाइड्रोडायनामिक्स ऑफ पैक कॉलम का स्टडी करना है तो प्रैक्टिकल थ्रू ड्राई पैकिंग्स और वेट पैकिंग अलग अलग सेक्शन में आपको कैलकुलेशंस करना पड़ेंगे जिसमें प्रेशर ड्रॉप आएगा और लास्ट में आप ये कंपेयर कर सकते हैं कि प्रेशर ड्रॉप ड्राई कंडीशन में या वेट कंडीशन में ज़्यादा रहता है या कम होता है और वो क्यों होता है। थैंक यू, धन्यवाद।